खेत में सो रहे युवक पर किया हमला, युवक हुआ गंभीर घायल, घायल को लाया गया डीडवाना के सरकारी अस्पताल। मामले की जानकारी पर पुलिस पहुंची मौके पर। डीडवाना जिले के नजदीकी खुनखुना थाना क्षेत्र के अंदर एक खेत में सो रहे युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें युवक अपने खेत में सो रहा था। इस दौरान कुछ लोगों के द्वारा युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को डीडवाना शहर के राजकीय बागड़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर घायल का प्राथमिक उपचार जारी किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना में मिली जानकारी के अनुसार डिगारिया निवासी भगवान सिंह पुत्र मोहन सिंह थाना खुनखुना अपने खेत में सो रहा था। इस दौरान रात्रि के 2 बजे कुछ लोगों के द्वारा खेत में सो रहे इस युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और युवक के रिश्तेदारों ने युवक को तुरंत शहर के जिला चिकित्सालय पहुंचाया और उसका प्राथमिक उपचार जारी कराया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सारे घटनाक्रम की जानकारी ली और अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पीड़ित के द्वारा अभी तक थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है। रात को 2 बजे आया 4 आदमी, लड़का मैं फौजी है ना, झुम्बर फौजी, उसने करवाया। 4 बंदे आए थे, एक तो प्रकाश और एक छोगाराम, 2 आदमी तो मतलब पहचान गए, लेकिन 2 आदमी पहचान नहीं पाए। रात में आके मैं अंदर सो रहा था, ये बाहर सो रहा था, आके रोड से हमला कर दिया। गांव में हुआ, खेत में हुआ? खेत में। गांव कौन सा? डिगालिया। और आप साथ में कौन? हाँ, मैं साथ में था, मैं अंदर सो रहा था, ये बाहर सो रहा था, क्योंकि बाहर मतलब गाय भैंस मतलब देखना।